माल चाहिए, माल दे दो 10-12 हजार। ओ भाई मिल गया, समझो एक तरह से इसके माँ बच्चों को कर्जा नहीं देती है, दर्जा देती है, दर्जा बोलते ना क्या करे। 6 के 7 लूंगी। कितना है ये? 6 के 7। 1 2 गिन के तो बताओ कितना है ये? 3000। हाँ 3000 के बने मतलब 3500 लूंगी। 4000 ले लेना, तुम भी क्या याद रखोगे। हाँ, वो तो मुझे मिलता ही मिलती है, पर बता रही हूँ रात का टाइम है ना, तो तुम कहीं से निकाल नहीं सकते हो। That's why, यही रीजन है। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी टाइम के बाद मैं फाइनली घूमने के लिए जा रहा हूँ, और उसके लिए मैंने मम्मी से उधार लिया क्योंकि ATM हमारे आसपास के कुछ पता नहीं क्या हो गया था, चल नहीं रहता, जिसकी वजह से मुझे कैश में निकाल नहीं पाया। और रात का सफर है क्योंकि मैं 1 बजे यहाँ से निकलूंगा मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ, हम लोग जा रहे हैं शिमला। ये मेरे भाई जान, बड़े वाले भाई जान, मतलब मेरा मन होता है कि मैं अपने भाई को साथ में ले जाऊं क्योंकि भाई ज्यादा घूमे नहीं है कहीं पे। तो पिछली बार मसूरी लेके गया था, इसमें भाई का पेट खराब हो गया था, हर जगह उल्टी करते हुए जा रहे थे, सारी मेडिसिन साथ में लेके जा रहे हैं। हाँ जी, मेडिसिन साथ में ले जा रहे शिमला मिलते हैं। तो ठीक है, कुछ कैश होना जरूरी था रास्ते में, इसलिए मैंने मम्मी से भी ले लिया, उनको दे दूंगा यार, अपना ही चलता रहता है। मस्त एंजॉय करेंगे भाई शिमला में, ठीक है, पहाड़ों पर जाकर छोड़ दूंगा। ये तो है। तो भाई मैं एडवाइस देती हूँ, अगर उल्टी आए तो देखो टॉफी रख लेना, टॉफी खाते रहो तो जी नहीं घबराता है। देखो रुक सर मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल में क्या होता है, जो बंदा पहाड़ पे जा पल्स हाँ, जो बंदा पहाड़ पे जाता रहता है ना, उसको थोड़ी आदत होती है अप डाउन करने की, उसको पता है। और मुझे तो गाड़ी चलानी है, पिछली बार मेरा भी पेट खराब हो गया था बहुत ज्यादा। और सिकंदर और सिकंदर भाई का ये, वो इससे पहले कभी भी पहाड़ों पे नहीं गया, बस एक बार मैं ही लेके गया था मसूरी। भाई बहुत सुंदर है शिमला, शिमला बहुत सुंदर है, पहाड़ों को नहीं ना वहां पहाड़ों को ना ये इसी में डाल दिया है लिटरली। शिमला शिमला से कौन कौन है कमेंट करके जरूर बता, और कौन कौन प्लान कर रहा है शिमला का, सो कमेंट कर देना। आई हेट यू। तो आप भी तो जा रहे हो कल मायके, अलीश भाई इनके छोटे वाले भाई मतलब बड़े वाले भाई आ रहे हैं, तो रुखसार 1 हफ्ते के लिए अपने घर जा रही है क्योंकि फिर पता नहीं आगे चल के मौका मिले ना मिले, तो इस वजह से। हाँ जी रुखसार जा रही है 1 वीक के लिए, एंजॉय करेगी मस्त, तो ये चला जाएगा 1 हफ्ता। चल 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 मम्मी से मिल लेता, ढक्कन नीला ऐसा है। मम्मी डर गई। चलो जी ठीक है, तो रेडी हो चुके हैं सब लोग, आ गए हैं, गाड़ी मैंने निकाल ली है, और ये देखो यही जो चीज़ है ना, यही मैं रोक लेते हैं चीज़ें, मेरे को गेट बंद करो, तो अंदर ही रखना इनको। मम्मी देख लो बस, आ जाऊंगा ना, आप भी तो घर जा रहे हो यार, रिलैक्स, रोते नहीं है रुखसार। अरे नहीं यार जा रहे, अच्छे अच्छे भेजो ठीक है। क्या हो गया अच्छा होगा ना, जल्दी आ जाऊंगा, रिलैक्स ना, ऐसे जाओ ऐसे, देखो मेरे को सफर करना, लंबा सफर करना, ऐसे रोगे टेंशन में रहूंगा ना मैं भी। विदा कर दो, पहले हंस के बोलो, पहले हंस के बोलो, नहीं जाऊंगा नहीं, फिर मैं हंस के बोलो, पहले स्माइल निकल जाएगा देखना, चप्पल ले सो सो, नहीं जाऊंगा नहीं मैं, आपको स्माइल नहीं करूंगा। हाँ हाँ टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब अच्छे से जाऊंगा, आ जाऊंगा, रिलैक्स करो, ठीक है ठीक है, चलो चिल करो मम्मी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, अब निकलते हैं, अभी 1:15 हो रहे हैं, हम निकल रहे हैं, सो लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, पिछली बार तो करीबन 6-7 घंटे लगे थे, तो पापा कर दो पापा तो वो यहाँ से, क्योंकि मैं वापस आऊँगा तो रुखसार मुझे नहीं मिलेगी यहाँ पर। सब रख लिया मैंने, सब भाई मैंने रख लिया अपना, अरे वो रह गया, हाँ केबल 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 केबल
गाड़ी का है वो, रुक सर फोन वगैरह ध्यान रखना। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो हम सब आके बैठ चुके हैं, आप रास्ते की दुआ पढ़ ले एक बार हम, और फिर निकलते। क्या है भाई दुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सख़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इंशाअल्लाह जी, ठीक है दुआ पढ़ लिए तो निकलते जी। अमरीक सुखदेव साइड में हमारे पाजी जी का ढाबा, सन्नी पाजी का गरम गरम, और हमें चाय आगे भी मिला। वैसे गाड़ी हमने आगे पार्क कर दी है, और अभी आ चुके हम अमरीक सुखदेव। कुछ खाने का मन नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आऊँ यहाँ पर। और ये जो मौसम होता है ना, मतलब ठंडी ठंडी हवा रात का टाइम, तो अच्छा लगता है। बाकी अब पियेंगे चाय, चाय कहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। चलो साइड हो गया भाई अमरीक सुखदेव। ये हमारे गरम धरम जी, मतलब धरम पाजी का ढाबा गरम धरम, और उसके जस्ट साइड में मिस्टर चाय। ठीक है, इनकी मैं चाय की बात कर रहा था। ये तो है धरम जी का ढाबा, देखना धर्मेंद्र जी की कितनी बड़ी फोटो लगी हुई है यार। यार वो तो लगा देते हैं। और मिस्टर चाय जिसकी मैं बात कर रहा था, इनकी चाय बड़ी औसम होती है। ठीक है, तो कभी भी आप इस रूट से जाओ जब भी, तो यहाँ पे चाय जरूर ट्राई करना। चलो आ जाओ भाई। हमारी चाय आ गई। यस ओ देव, ये तो अब पी नहीं भाई, अभी सारा सिस्टम वही सही है। ऑसम ऑसम सुपर वन। चलो भाई ठीक है, चीयर्स भाई, चीयर्स चारों, चीयर्स करो सिकंदर। चीयर्स चीयर्स, अब चीयर्स तो करो, आ जाओ सिकंदर भाई। चलो भाई आ जल्दी आ गए। ये हमारा आज पहला टोल, अब यहाँ से हमारा कटेगा टोल, उसके बाद हमारा सीधा गाड़ी उड़ेगी इधर से ले ले आओ। चल हाईवे पे अब हमारा टोल नहीं लगेगा, तुम चाहे कुछ भी बोले, बस एक नाम बताना है यहाँ पे इसका। विक्रम, विक्रम राठौनी। सो गाइस, अभी बचा है 180 किलोमीटर लेफ्ट। अभी हम लोगों को 180 किलोमीटर, करीबन करीबन 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर चला लिए, और दिन भी हो चुका है। बच के टाइम क्या हो रहा है, 5:41 यार, काफ़ी लेट हो गया वैसे हम लोग, क्योंकि बीच बीच में रुक गए थे हम लोग। तो अभी भी सफ़र है करीबन 4:19 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब सब कुछ दिख रहा है, 10 बजे के अराउंड हम लोग पहुँचेंगे, 4:19 का अभी टाइम लगेगा और ज्यादा, और अभी टाइम हो रहा है ये, और 180 किलोमीटर अभी रह रहा है। बाकी दिन निकल चुका है, दिन निकलने की शुरुआत हो रही है। हाँ, दिन निकलने की शुरुआत हो रही है। सूरज मामा निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। सूरज मामा है, चांदा मामा होते हैं। सूरज चांद तो रात में निकलता है मुझे लग रहा है। हाँ मतलब सिस्टर आगे सूरज मामा नहीं होते, चंदा मामा होते हैं। जो ठंडक का एहसास है वो हम लोगों को होने लग गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है और मजा बहुत आ रहा है। एक सेकंड में दिखाता हूँ। गाइज अभी वक्त हो चुका है 6:57, और अभी हम लोग शिमला का टोल क्रॉस करने जा रहे हैं। फाइनली सामने की तरफ पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा शेडो में दिख रहा है। और भाई जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, और हम लोगों ने पहनी है टी शर्ट, तो हम लोगों को लग रही है ठंड। ग्रीनरी भी अच्छी खासी हो रही है, बहुत ही बेहतरीन मजा आ रहा है, मौसम एकदम बढ़िया वाला हो गया है। So guys, अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं शिमला में, और माशाल्लाह यार यहाँ पे पहाड़ वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम लोग पहाड़ों के ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
भाई ट्रक वालों से तो भाई सावधान, दूरी बना के भाई ट्रक वालों से सावधान है बहुत भाई, उल्टी सीधी कहीं भी ट्रक वालों से सावधान होते हुए आया हम पूरे रास्ते, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता, बस एक बार स्टीयरिंग घुमानी है इनको, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ, बस ऐसे ऐसे ऐसे। तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, हम लोगों ने काफी सारे एक्सीडेंट भी देखे, तो बस भाई अल्लाह का शुक्र करते हुए हम लोग बस धीरे धीरे ना ज्यादा तेज चलाते हुए आराम से पहुंच गए। और हम लोग निकले थे रात के 11 बजे के आसपास ना भाई, और अभी हम लोगों को 7:11 हो चुके हैं, अभी हम लोग चल ही रहे हैं, 88 किलोमीटर लेफ्ट है, अभी 2-2.5 घंटे 2 घंटा 32 मिनट बाकी है अभी, और सामने के व्यूज के मजे लो भाई माशाल्लाह। ओके गाइस, तो शिमला हम फाइनली पहुंच चुके हैं और व्यू देख सकते हैं भाई, ऑसम व्यू हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा, धुंध-धुंध सी हो रही है, हम बारिश कर रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है और फाइनली बारिश रिमझिम हो गई। यार बारिश में ऐसा होता है ना कि मौसम और ऑसम हो जाता है, तो बारिश हो चुकी है, हो ही रही है एक्चुअली, धीरे धीरे करके मौसम ठंडा हो रहा है, जितना सोचा तो उससे ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। सिकंदर भाई ने तो एक बार उल्टी भी कर ली, उनकी उनका पेट खराब हो गया था, पीछे बैठे हुए आराम से रिलैक्स कर रहे भाई को हमारे वॉमिटिंग हो गई, भाई को वॉमिटिंग हो गई, मैं गलत ही खड़ा हूं। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम अगेन। तो भाई अभी क्या दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम लोगों ने करीबन हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे 12 बजे आ गए थे, तो हम लोगों ने 3 घंटे की नींद अच्छे से ले लिया। हाँ वो अलग बात है, घर वालों के कॉल्स और कभी कंपनी कॉल कर रही है तो हमारी नींद हराम हुई है, बाकी फ्रेश हो चुके हैं और नींद बहुत अच्छी आई हम लोगों को, बस फोन आ रहे थे ना तो उससे डिस्टर्बेंस हो गई हमें, बाकी सब लोग सो लिए और हमने अपने हिसाब से एक छोटा सा रूम ले लिया क्योंकि एक रात रुकने की जरूरत थी, बाकी एक बेड नहीं है, सोफा कम बेड है ये, और इसके अलावा एक बेड, इसकी हालत देखो कितनी बुरी हो रखी है। फिलहाल अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है यहाँ से हम मॉल रोड जाएंगे भाई, शिमला मॉल रोड ना, क्योंकि शिमला का मेन जो जान है ना वो भाई मॉल रोड है, क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी इतना कुछ नहीं है, ठंड तो हो रही है दिल्ली में, सॉरी शिमला में ठंड तो हो रही है, शिमला में अच्छी खासी ठंड हो रही है, लेकिन अगर यही आप नवंबर दिसंबर में आओगे ना भाई शिमला, जनवरी हमने पूछा अभी था जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं उनसे पूछा तो कह रहे थे 4 महीने कंटिन्यूस यहाँ पे बर्फ गिरती है और अच्छी पूरी व्हाइट चादर बन जाती है एकदम यहाँ पे, इस तरीके से बर्फ गिरती है, तो शिमला के टाइम पे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक गिरती कह रहे थे, मार्च से बोले तो चलो ठीक है, हम दिखाते हैं आज आपको शिमला का मॉल रोड कैसा है। और मैं तो वैसे पहले इससे पहले आ चुका हूँ, तो नहा के सब लोग रेडी हो गए, फ्रेश हो चुके, तो चलते हैं। पहुंच चुके हैं मॉल रोड, और भाई जैसा कि हम लोगों ने आते हुए देखा था कि बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, थोड़ा सा हम लोगों को रिग्रेट हुआ कि धूप बहुत तेज निकल गई और जैकेट वगैरह लेकर आए थे, तो कोई बात नहीं ठीक है, वो तो चलता रहता है और मजा तो आ ही रहा है। फर्स्ट एग्जैक्ट हम लोग जो है मॉल रोड की मार्केट में और पीछे चर्च है यहाँ पे, ठीक है, तो शिमला का काफी फेमस चर्च है, काफी लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे, और बनावट भी बहुत पुराना है, आई थिंक आओ दिखाते आ जाओ कम कम। एक चीज है मुझे नहीं पता आप लोगों को यहाँ का जो व्यू है उसकी खूबसूरती है वो कैमरे में शो हो रही है कि नहीं हो रही है, बट हम अपने आप को देख रहे हैं उसकी खूबसूरती पता चल रही है कि मॉल रोड से इसका व्यू कितना प्यारा आता है, ठीक है, शिमला आपको ओवरऑल यहाँ से दिख जाएगा, इधर आओ मैं दिखाऊंगा सब, अब देखो हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडा मौसम एकदम बढ़िया, ये देखो देख। अच्छा वैसे अनिश एक चीज है कि कल से जब से हम लोग निकले हैं हमें करीबन हो चुके भाई 24 घंटे निकले हुए हो चुके, और हमने क्या खाया 24 घंटे? ऐसे तो सही बताऊं कुछ नहीं खाया है, और खाली पेट भी ना गैस बनती है बहुत, वो हो जाती है मतलब, और अंदर से एसिडिटी, ऊपर से हमने गाड़ी ड्राइव करी है, एक्चुअली सफर में ज्यादा फिर खाना हैवी भी खाना ठीक नहीं रहता इसके, अब जाके फाइनली हमने मॉल रोड में शिमला के मॉल रोड में हमने लिया है क्या,
मोमोज लिए हैं, और सिर्फ इसलिए कि हमें तीखा चटपटा खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो आसिफ गया हुआ लेने के लिए। तो लेकिन रेट बहुत कॉस्टली है, 60 के 6 दे रहे भाई, 10 का एक मोमोज। लेट्स सी कि क्या साइज क्या देखते हैं और उसका क्या टेस्ट होता है। चलो ठीक है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइसिंग है जो है, लेकिन टेस्ट होना चाहिए। अगर बैठ के खा रहे हैं ऐसी जगह पर तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए। बाकी लेट्स सी, आने तो पहले देखते हैं। अरे तो क्या हो गया भाई, इतना तो लड़की भी नहीं शर्माती। क्या मैंने बोल दिया? अरे कितने दिया है तू? अरे भाई तुम दिल खोल के खाओ यार, साइजेस अच्छे हैं, साइज अच्छे एंड डेफिनेटली टेस्ट भी अच्छा होगा, क्योंकि इसकी देख के बता देता हूँ मैं रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे मोमोज आ गए, और हम लोग कब कुछ नहीं खाया हम लोगों ने 24 घंटे से, पहला हम खा रहे हैं कुछ कुछ नहीं खाया भाई। तो ये मोमोज आए हुए, लपेट दो भाई सारे, लपेट दो। हिमाचली मोमो, हिमाचली मोमोज फर्स्ट टाइम भाई। 12 ठीक है, 12 मोमोज, एक अगर किसी ने एक्स्ट्रा उठा लिया ना, हाथ काट दूंगा। ये अच्छा था, यम्मी।